बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन क्लासिक्स। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल रीड द टॉपिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन द लास्ट टू लेक्चर्स वी विल रीड द टॉपिक इन्वायरमेंट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर of the unit number 4. This is our third lecture. In this lecture we will read the topic abiotic components. First of all, I will told you that what are the abiotic components and how many components. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या है कि abiotic components क्या है। abiotic components वो होते हैं जो कि बेजान components होते हैं। components क्या होता है? अज्जा abiotic नॉन लिविंग, ठीक है, बेजान अज्जा। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि बेजान अज्जा होते हैं। लाइट, टेम्परेचर, सोइल, एयर एंड वाटर, हवा, रोशनी, टेम्परेचर, मट्टी, हवा और पानी, जो सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है बेटा, सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, वुड लाइस एंड कॉकरोच अवॉइड सनलाइट एंड लिव इन डार्क प्लेसेस। ये ऐसे जानवर हैं जो कि सनलाइट से बचते हैं और डार्क प्लेसेस पे रहते हैं। बट अब वुड लाइस क्या होती है? लकड़ी को जो लाइस लगती है, यानी कि जो कीड़ा लगता है उसको खा जाता है, उसको हम कहते हैं वुड लाइस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डार्क प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा लाइट फैक्टर है। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो रोशनी होती है ये सबसे अहम, यानी कि बहुत अहम बेजान फैक्टर है ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल का। द अल्टीमेट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज 38, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। यानी कि जो बेसिकली हमारा सोर्स है, जरिया है रोशनी का, वो क्या है? सूरज है। ठीक है, यानी कि सन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी कौन है? सूरज से जो रोशनी वाली एनर्जी होती है, तवानाई होती है, वो कौन से? वो सूरज से आती है। सब प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। तमाम जानवर पौधों से बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जानवर जिसमें इंसान भी शामिल हैं, ठीक है, नीड सनलाइट, उन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है अपनी तमाम एक्टिविटीज़, तमाम जिंदगी की, यानी कि तमाम सरगर्मी के लिए। बेटा पौधे हमारी खुराक का जरिया कैसे बनते हैं? क्योंकि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है उनकी ग्रोथ होती है। जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनके ऊपर क्या है बेटा, वेजिटेबल्स जैसे होती हैं, उनकी वेजिटेबल्स बनती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या करते हैं, हम अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? टेम्परेचर है। तीसरा कंपोनेंट एयर, सोइल, एंड द लास्ट वन फाइव जो कंपोनेंट है वो आपका है वाटर। ठीक है, तो आज जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़ने हैं, फर्स्ट तीन, ठीक है, लाइट हमने पढ़ लिया है, दूसरा हमने टेम्परेचर और तीसरा एयर पढ़ना है। रिमेनिंग का आपका लेक्चर नेक्स्ट होगा, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 होगा। आगे बेटा आपका क्या है, टेम्परेचर। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। यानी कि जो हीट होती है, सूरज की जो हरारत होती है, वो क्या करती है टेम्परेचर पे, किसी भी जगह पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट। यानी कि वो कहता है कुछ जगह जो होती हैं ज़मीन के ऊपर, वो जैसे कि सहरा है, आर टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। एंड अदर्स लाइक ग्लेशियर्स, जैसे कि ग्लेशियर्स बेटा क्या होते हैं, बर्फ़ के तोदे, यानी कि बर्फानी इलाका जो होता है, बर्फ़ के तोदे, आर टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, पौधों और जानवरों के रहने के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ द डेजर्ट। वो कहता है सहरा के अंदर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डेज आर हॉट, दिन गर्म होते हैं, नाइट्स आर कोल्ड, और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है बहुत ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चुस्त होते हैं कौन से टेम्परेचर पे बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो टेम्परेचर, उस पर क्या होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो टेम्परेचर होता है वो
पौधों और जानवरों की सरगर्मियों को मुतासिर करता है, ठीक है, एक्टिविटीज सरगर्मियाँ इफ़ेक्ट्स मुतासिर करता है। उसके बाद क्या है, एयर, हवा, एयर इज़ अ इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, हवा भी अहम बेजान फैक्टर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा गैसों का मिक्सचर है यानी कि मजमुआ है। एयर कंटेन्स गैसेस, हवा के अंदर गैसेस शामिल होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अहम होती हैं फॉर द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है, जानवर और पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पायर क्या होता है, सांस लेते हैं, हवा के अंदर जो गैस मौजूद होती है वो कौन सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, अमल तनफ्फुस होता है, सांस लेने का अमल होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ज़्यादती में क्या करती हैं, आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फ्रॉम एयर, हवा से, टू मेक देयर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये लेक्चर एंड हुआ। आज के टॉपिक में हमने तीन फैक्टर्स पढ़े हैं, लाइट, टेम्परेचर एंड एयर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने सोइल एंड वाटर पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर आपको समझ नहीं आती, फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।